यूपी एटीएस ने दो आलमदीन को किया गिरफ्तार, 1000 से ज़्यादा हिंदुओं का मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम। तफसीलात के मुताबिक यूपी एटीएस ने लखनऊ से मजहब तब्दील कराने के इल्ज़ाम में दो आलमदीन को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 1000 से ज़्यादा हिंदुओं की मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बारे में तफसीलात बताते हुए बताया कि ये लोग मोटिवेशनल सोच के ज़रिए हिंदुओं का मजहब तब्दील कराते थे। ये दोनों आलमदीन अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों का मजहब तब्दील करा चुके हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन आलमदीन ने बहरे बच्चों और ख़वातीन का मजहब तब्दील कराया है। यही नहीं, उन्होंने मजहब तब्दील कराने के बाद शादी भी करवाई है। इस्लामिक दावा सेंटर नई दिल्ली के इशारे पर मजहब तब्दील कराया जा रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम भी उन्होंने आयद किया है। प्रशांत कुमार ने मजीद कहा कि इस मामले में पहले बटला हाउस इलाके नई दिल्ली से उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद जहांगीर नामी शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई है।